नमस्कार। इस वक्त हैं हम चोइथराम फल और सब्जी मंडी में, जहां पर लगातार जो लहसुन की आवक है वो अब धीरे धीरे जो है तेज होती नजर आ रही है, क्योंकि पिछले दिनों लगातार लहसुन की आवक जो थी वो कहीं ना कहीं धीमी थी, जिसके कारण भाव पर इसका सीधा असर देखने मिला था और लगातार जो भाव है वो बढ़ते चले गए थे, जिसके बाद अब जो है वो लहसुन की आवक लगातार हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका जो दाम है वो लगातार गिर रहे हैं। हमारे साथ जो फल और सब्जी मंडी है उसके अध्यक्ष हैं, उनके पास सीधे चलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे क्या कुछ स्थिति जो है वो अभी लहसुन के दाम को लेकर जो है देखने मिल रही है। जी, सबसे पहले आपका नाम और क्या कुछ स्थिति अभी लहसुन के बाजार को लेकर देखने मिल रही है। मेरा नाम ओम प्रकाश गर्ग। इंदौर मंडी के अंदर लहसुन की आवक होते होते करीब करीब 2 महीने हो गए हैं। भारत देश के अंदर सबसे पहले लहसुन इंदौर के अंदर ही उत्पादन होता है। पिछले साल की कमी की वजह से इस साल नई लहसुन को भाव अच्छे मिले। अब एक अकेला प्रदेश सिर्फ इंदौर था जहां के ऊपर नई लहसुन आ रही थी, इसलिए स्टार्टिंग में बाजार काफी तेज थे और उत्पादन भी कम आ रहा था। अब धीरे धीरे सारी फसलें पक चुकी हैं, उत्पादन बाहर आ चुका है, इसलिए राजस्थान भी चालू हो गया है, गुजरात भी चालू हो गया है, तो पूर्ति बढ़ती जा रही है। तो मांग और पूर्ति के नियम के अनुसार अगर हम देखें तो पूर्ति बढ़ने से वैसे ही जैसे बाजार कम हो रहे हैं, परंतु आज भी जो 8,000 से 10,000 के बाजार हैं वो काफी अच्छे हैं, किसान को फायदेमंद है और किसान को अच्छा पैसा मिल रहा है। और देखिए, आने वाले समय में और संभावना जताई जा रही है कि एक बार फिर से जो है वो दाम बढ़ेंगे या दाम बढ़ सकते हैं, इसको लेकर के अभी क्या स्थिति बाजार में हमको नजर आ रही है? देखिए, जहां तक भविष्य का सवाल है, किसान इस समय गीला लहसुन होने से उसको दाम अच्छे मिल रहे हैं और वो उसको बेचने का इच्छुक है। आने वाले समय के अंदर जब स्टॉक का लहसुन निकलेगा, जब वो सूख जाएगा, तो मैं ऐसा मानता हूं कि बाजार में कुछ भी उछाल आएगा, उठाव आएगा, तो वापस बाजार जो है 15,000 के लगभग, 15 से 20 हजार के बीच में बिकना चाहिए, ऐसा मेरा अनुमान है। और यदि हम वर्तमान में बात करें तो किस तरह की आवक लहसुन की है, क्या आने वाले समय में आवक बढ़ेगी या फिर इसी तरह की आवक रहने की संभावना है? देखिए, अब इंदौर के अंदर लहसुन का करीब करीब किनारा आ चुका है। 60 से 70% लहसुन खेतों से निकल चुकी है और धीरे धीरे अब इसकी आवक भी कम होगी और बाजार स्थिर रहेंगे। और निश्चित तौर पे तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो है आवक स्थिर रहेगी, जिसका सीधा जो है दामों पर भी असर हमको देखने मिलेगा। स्थिर इंदौर में होगी, बाकी आवकें जो राजस्थान है, गुजरात है, इसके बाद यूपी है, कंटिन्यू कहीं ना कहीं की लहसुन निकलती रहेगी। इसलिए मैं नहीं सोचता कि बाजारों में एकदम तेजी आवे। बाजार यही 8 रुपए से 10 रुपए के 10,000 तक में चलते रहेंगे और जब सब फसलें निकल चुकी होगी, जो कहना चाहिए कि जून जुलाई अगस्त महीने में, वहां जरूर कुछ भी इसमें सुधार देखने को मिलेगा। यदि हम बात करें तो अब की बार जो लहसुन के दाम रहे वो ऐतिहासिक रहे, यानी पूरे इतिहास में ऐसा कहा गया है कि सबसे ज्यादा लहसुन के दाम कभी रहे हैं तो वो इस साल रहे हैं। क्या लगता है हमको पिछले साल की तुलना में और इस साल की तुलना में किस तरह का अंतर हमने देखा और क्या कारण रहे कि दाम लगातार जो है लहसुन के बढ़ते चले गए? देखिए, जहां तक इतिहास का सवाल है, मुझे याद है कि आज से 12-13 साल पहले भी लहसुन के बाजार 20,000 से 25,000 हुए थे। इस साल वापस 10-12 साल बाद ऐसा रिपीट आया है जब लहसुन 20,000 से 25,000 तक बिकी है और किसान को बहुत अच्छा पैसा मिला है और आज भी उसको इस भाव में कोई नुकसान नहीं है। तो इसलिए लहसुन का बाजार अच्छा है और आगे भी भविष्य को देखते हुए चाइना लहसुन इस साल आने की उम्मीद नहीं है, इसलिए इंदौर अपने इंडिया के भाव के अंदर लहसुन का एक अच्छा बाजार रहेगा। एक खबर ये भी है कि पहले शुरुआत में जो है एक्सपोर्ट ज्यादा हुआ लहसुन का, इस कारण से जो है इसके दाम बढ़े, लेकिन अब जो है एक्सपोर्ट कम हो गया तो दाम कहीं ना कहीं घट गए, इसमें कितने सच्चे हैं? देखिए, जहां तक एक्सपोर्ट का सवाल है, लहसुन एक्सपोर्ट के अंदर जाता ही है, परंतु एक्स्ट्रा गया ऐसा मैं नहीं सोचता हूं, क्योंकि बाजार काफी तेज है, इसलिए ज्यादा लहसुन एक्सपोर्ट भी नहीं गया, जो रेगुलर जाता हुई गया है, गीला लहसुन भी था, तो इसलिए मतलब बाजार टाइट इसलिए बने रहे कि पिछले साल का बाजार, जिसको हम बोलते हैं व्यापारिक भाषा में पाइपलाइन, पाइपलाइन खाली थी, इसलिए ये बाजार मिला है। और इसलिए अब सब दूर की लहसुन आ गई है, पूर्ति हो रही है, तो ये बाजार अब 8-10 हजार पे ही चलेगा। जी बिल्कुल, यदि हम बात करें तो इंदौर की जो मंडी है वहां पर अब जो लहसुन की नीलामी है वो सरकारी तौर पर भी हो रही है, ऐसे में कितना नुकसान किसानों को हो रहा है इस पूरी नीलामी की प्रोसेस से और कितना व्यापारियों को इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है? देखिए, जहां तक सरकारी नीलाम का सवाल है और आढ़तियों के द्वारा नीलाम का सवाल है, इसमें एक मोटा फर्क है। किसान का माल जो है, जब सरकारी आदमी बेचता है तो सरकारी आदमी क्वालिटी के लिए अनुभवहीन होता है,
उसको अनुभव नहीं होता है कि क्वालिटी, उसको तो एक दो तीन करने से मतलब होता है। तो इसमें कई अधिकतर किसानों का नुकसान ही होता है, और व्यापारी वर्ग क्वालिटी समझता है कि ये ऊँटी क्वालिटी है कि G2 क्वालिटी है, तुलसी क्वालिटी है, छोटी है या बड़ी है, ये कौन व्यक्ति जाएगा इसको लेके, तो वो उस प्रॉपर व्यक्ति को ढूंढ के बेचता है, तो उससे व्यापारियों के थ्रू बेचने में उसे फायदा होता है। आप भी व्यापारी हैं, व्यापारी मंडल के जो अध्यक्ष हैं आप, मैं किस तो तरह की ओपन मांग यहाँ से ओपन सरकार से करेंगे इसको लेकर? हमारा ये है कि जिसका माल उसका अधिकार, ये हमारा वो है। आज जिस व्यक्ति ने साल भर मेहनत करी है, बीज बोया है, खेत किया, रात दिन एक किया है, तो उसका अपना माल बेचने का अधिकार होना चाहिए कि वो अपना माल जहां उसको उचित लगे वहां बेचे, उस पे सरकारी प्रतिबंध उचित नहीं है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि भविष्य में भी और भूतकाल में भी जब व्यापारियों ने माल बेचा है, जहाँ ऐच्छिक व्यवस्था थी इंदौर में, तो 80% माल व्यापारियों के पास आता था, 20% माल सरकारी उसमें जाता था, जो इस बात का प्रमाण है कि किसानों को व्यापारियों के थ्रू भाव अच्छा मिलता है, व्यापारियों के थ्रू उनको सुविधाएं मिलती है, व्यापारियों और किसानों के बीच के अंदर पारिवारिक पीढ़ी दर पीढ़ी का संबंध है, तो एक विश्वास है। तो अगर जब भी व्यापारी को ये लगता है कि ये कम है, तो आज वो रोक लेता है। सरकारी मंडी में ऐसा नहीं होता, न उनका कोई रिश्ता है, न कोई उनका एक दूसरे से लगाव है, उसको तो बेचने से मतलब रहता है, तो एक मोटा अंतर है। इसलिए किसान का माल किसान को ही बेचने का अधिकार होना चाहिए। निश्चित तौर पे। तो ये थे ओम प्रकाश गर्ग जी, जिनका स्पष्ट तौर पर कहना है कि लगातार जिस तरह से लहसुन की अब आवक जो है वो स्थिर है, जिसका सीधा असर फिलहाल तो दामों पर नहीं होगा, लेकिन आने वाले समय में संभावना है कि लहसुन के जो दाम है वो एक बार फिर से आसमान छू सकते हैं। इंदौर की चोइथराम अनाज मंडी से नमन के।